स्माइल इज द लड़कियों को पसंद है, मेरी स्माइल इज द। संजू अचार खाएगा। अबे ये क्या है? वाओ, व्हाट अ फेस। आंटी, मिल गई मेरी अंगूठी। अरे अंगूठी तो नहीं मिली, लेकिन आंटी ये तस्वीर मिली है जो आपकी बेटी ककड़ी की तो है नहीं, इस लड़की को पहचानती हैं आप? नहीं, मैं तो इस फोटो को पहली बार देख रही हूँ। वैसे पहली बार तो मैंने जल्लू हलवाई को देखा था, और उसे पहली बार देखते ही मैं उसमें फिदा हो गई थी, जलेबी रबड़ी हो गई थी। किचन का पंखा चालू है। आंटी ऐसी बात है ना कि आपकी जवान बेटी गायब हो गई, उसकी चिंता ना है आपको जरा भी? अपनी जवानी की किस्से सुनाने में लगी हुई है आप, हाँ शर्म नहीं आती आपको इस उम्र में? सॉरी। अब बताइए ना कि आप जानती कि नहीं जानती हो, जल्दी बताइए। मैंने कहा है ना भैया कि मैं इस फोटो को पहली बार देख रही हूँ, मैं ना जानती कौन है ये, किचन का पंखा चालू है। बंद कीजिए ना पंखे को। अब गुलगुले एक काम करो सर, इस फोटो की कॉपियां बनवा दो और आसपास के चौकी में भिजवा दो, हाँ हमें पता लगाना कि असली में ये लड़की है कौन। राइट सर। वाह वाह वाह, फिल्म में मजा आ गया। क्यों बिल्लू? कौन बिल्लू बेटा? वाह 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 वाह, फिल्म में मजा आ गया। क्यों बिल्लू? बहुत मजा आया फिल्म में। वेल, आगे बैठी लड़की दे रही थी मुझे लाइन इज द शो, बढ़िया होता है 6 to 9 इज द। व्हाट इज द टाइम इज द? वेल टाइम क्या हुआ? 8:00। मैडम आप भी ना एक नंबर की भोली है। मैडम टाइम पूछने के लिए इस तरह ये गन निकालने की क्या जरूरत है? मैं वैसे भी बता दूंगा मैं, घड़ी है ना 7:30 बजे करीब। 9:30 बजे। तीनों को अलग अलग काम से भेजा था। गलबैया डाले यारी है ईमान करते हुए, बिल्कुल ही भाईचारे में कहां से आ रहे हो 6 बजे से पहले निकले हुए? क्यों रो रहा है? बात है मैडम, मुझे कुछ खास बात नहीं है, लेकिन बहुत जरूरी बात भी। ठीक है, मतलब क्या पता हूँ मैडम कैसी बात है, कुछ बात है। शाबाश। सुमनलता बेचारी, सुमनलता समाज के तानों की मारी, सुमनलता। थारी मासी है या बुआ? बुआ नहीं मैडम, ये पूछे सुमनलता के साथ क्या क्या हुआ। yes! सुमनलता मैडम बेचारी शादी से पहले ही माँ बन गई। कौन, क्यों, कौन है सुमनलता, समाज की मर्यादा तोड़ रही? Well, mom, हम देते हैं आपको बता इज्दा, हमने जो फिल्म देखी उस फिल्म की हीरोइन का नाम था सुमनलता इज्दा। हाँ मैडम, फिल्म का नाम था कि बिन बिहाई अम्मा, तो हम लोग चले गए नॉलेज के लिए देखने। पकड़ना जरा, देख के आ रहे हो, फिल्म देख के आ रहे हो और यहाँ लेट आ रहे हो। आगे से ऐसी बाहियात फिल्म देखने के लिए निकले ना, अगर जो समाज की है जो बिल्कुल ही अनलॉफुल चीजें हो रही हैं, शादी से पहले माँ बन रहे हैं, अगर दोबारा ऐसी फिल्म देखी और दोबारा आए यहाँ दोस्ती यारी में, 4-4 टुकड़े करके ना बटवा दूंगी मोहल्ले में। चलो जी काम पे लगे, आओ आओ। जितने साल की आपकी नौकरी है ना, उतने साल की मैडम की उम्र नहीं होगी। वाला खैर
क्या खैर? नहीं अनुपम खैर, इसका बेटा सिकंदर खैर, हाँ कैलाश खैर, सब खैर। ठीक है ठीक है, क्या है अभी यार, मैंने कोई काम नहीं किया, ना मैंने चाय पिया, ना अखबार पढ़ा, मेरे को काम कर रहे थे। मैं नहीं भैया, क्या आपके क्या है? मैं अंदर क्या करोगे जाके? कोई केस नहीं आया हुआ है चौकी में, कोई केस नहीं आया हुआ है। मैं तो अंदर घुस जाता है मेरा दम। मैं तो बैट बॉल लेके आया हूँ घर से, हम क्रिकेट खेलेंगे। Well, मुझे नहीं खेलना आता है क्रिकेट इज़दा, मैं अंपायर को समझता हूँ विकेट इज़दा। कर दी ना भैया आपने छोटी बात, एक मिनट रुक जाओ। ये देखो मैं लेके क्यों आया, ये मैं आपको सिखाऊंगा ना कि कैसे खेलते हैं क्रिकेट। इसमें क्या करना है, ये बॉल है, इसको बॉल कहते हैं, है बस। और मैं बैटिंग करता हूँ, मैं हमेशा पहले बैटिंग मैं ही करता हूँ कोई भी खेले तो। इसको आप, मैं वहां जाके बैटिंग करूंगा, आप इसको बस ऐसे फेंकना, बाकी फिर मैं खेलूंगा। ठीक है ठीक है, चलो तो फिर मैं जा रहा हूँ। क्या? 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 क्या हुआ? अरे दुलारी कहाँ के घर के कपड़ा लेके आई है? इतना मैल है, इतना मैल, मैल छूटा है नहीं छूट रहा। ले साबुन ले अंदर से। ठीक है, कुछ हुआ था क्या? चलो गुलगुले जी हम क्रिकेट खेले। कोई नहीं खेलता मेरे साथ। राम चलाई नौकरी छोड़ दे। Why? कोई रीजन तो होगा जी? कोई तो है ना, रीजन तो है, पर एक हो तो बताऊँ ना फिर। तू कोई और दूसरा कोई प्रोफेशन में ज्वाइन हो ले, कोई और काम कर ले। और काम करूंगा जी, वहाँ जाके तो फिर काम करना पड़ेगा ना जी। Hi, hi. Wow, 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 wow. ऐसी नौकरी कहाँ मिलेगी जी? सुबह यहाँ आए, चाय पी, अखबार पढ़ लिया, दो चार लफी लूटा को फ्री में फोन कर लिए, बिंदू से मालिश करवा ली। माफ कीजिएगा। ओ पहले आप कोई खता तो कीजिए। मैं तो FIR लिखवाने आया हूँ अपनी मिसिंग बेटी की, कमल कांता कमारी है, ये रही उसकी तस्वीर। ये तो मेरी बेटी की तस्वीर है, आपके पास कहां से आई? कमल कांता कुमारी है। हिस्ट्री ना पूछो, हैं? हमें जरा ज्योग्राफी निकालने दो। वाओ 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 वाओ। काम के करती छोरी? वो बिलोटा इंडस्ट्री में काम करती है, पर मैडम मैंने वहां भी पता लगा लिया, किसी को इसके बारे में कुछ नहीं पता, कमल कांता कुमारी है। बिलोटा इंडस्ट्री जरा गड़बड़ दिखे है, मैंने यहाँ से छोरियां गायब हो रही। पहले वाली छोरी भी बिलोटा इंडस्ट्री में काम करती थी जो मिसिंग हो रही है, अब यो वाली छोरी भी मिसिंग हो रही, यो भी बिलोटा इंडस्ट्री। एक काम करो, अपना बिल्लू गुलगुले और गोपी तुम तीनों जरा बिलोटा इंडस्ट्री के मालिक को फालू करो। ओके ओके।
नाम है इसका। मुझे यहाँ बीबी बीपी बलोटा ने कैद किया है। बीपी बलोटा? वाह युदा आरिता, तुम्हारे साथ ऐसे कौन कर रहा है व्यवहार युदा? मैं हूँ। हाँ बोलो बोलो। मैं हूँ कमल। कमल? कमल कांता। कमल कांता नाम है इसका। मुझे यहाँ बीबी बीपी बलोटा ने कैद किया है। बीपी बलोटा? बोलो बोलो। और मेरे साथ एक लड़की अंदर कैद है, ककड़ी। ये हंस क्यों रही है? ये हंस नहीं रही, रो रही है यार। हंस रही है यार। तुम पक्का रो रही हो ना? हाँ मैं रो रही हूँ। ये देखो, ये मिली है। अरे ये मिली नहीं है, ये तो ककड़ी है। हाँ तो ककड़ी मिली है ना है? सर आप बिल्कुल चिंता ना करिए, जो क्रीम बनाने में हमसे गलती हुई है उसे पूरे 2 साल में हम सुधार देंगे। अरे ऐसा कुछ जरूरी नहीं है सुजैन, हल्के से, क्योंकि गोरे होने के लिए जिस धुआंधार तरीके से लोग हमारी क्रीम को खरीद रहे हैं उस हिसाब से तो हम 1 साल में 1,000 करोड़ कमा लेंगे और उसके बाद ये कंपनी बेच के विदेश चले जाएंगे हल्के से। ए, चलो बहुत हो गया नाच गाना, चल बैठ। क्या बात है? हैं? देश छोड़ के जाने की घनी जल्दी हो रही है, पहले अपनी इन 2 देसी मेहमानों से तो मिल लो। Well, excuse me. Look outside, please. He's Kakdi is the, and he's Kamal Kanta is the, जिसे तू है जानता is the. देखो भाई ऐसा है कि सक तो हमें तुम्हें देख के ही हो गया था कि ऐसी थर्ड ग्रेड सकल का एकदम ही घटिया लुकिंग आदमी कोई गड़बड़ घटिया काम ही कर सके। फिर जो है जब हमें वो पता लगा कि दोनों छोरियां जो गायब हुई हैं वो थारी ही कंपनी में काम करती थी तो सक यकीन बदल गया। फिर हमने तय ने करा फॉलू, तो छोरियां भी मिल गई। सो इजी, इट वॉज सिंपल। कमल कांता, जिसके चेहरे पर तुमने अपनी क्रीम का एक्सपेरिमेंट किया वो भी पूरे 1 साल तक, जबकि तुमको यह पता था कि इस क्रीम का लॉन्ग टर्म तक यूज करना चेहरे को खराब कर सकता है।
दोनों छोरियां जो गायब हुई हैं वो थारी ही कंपनी में काम करती थी, तो सक यकीन बदल गया। फिर हमने तय ने करा फॉलू, तो छोरियां भी मिल गई। सो इजी इट वॉज सिंपल। कमलकांता, जिसके चेहरे पर तुमने अपनी क्रीम का एक्सपेरिमेंट किया वो भी पूरे एक साल तक, जबकि तुमको ये पता था कि इस क्रीम का लॉन्ग टर्म तक यूज करना चेहरे को खराब कर सकता है। भाई देखो ऐसा है, और वो जो रिपोर्ट्स है ना वो सारी तुम्हारे कंप्यूटर में फीड है, और कंप्यूटर का पासवर्ड क्या है? संजू अचार खाएगा। तो जरा इसका ये कंप्यूटर लैपटॉप जो भी ऐसे जब्त करो और पासवर्ड डाल के सारे सबूत निकाल लो। है हाँ हाँ मैडम, मैंने किया ये सब क्योंकि कम समय में मैं करोड़ों कमाना चाहता था, हल्के से। मैडम इस कमलकांता के चेहरे पे मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, पर जब इसका फेस बिगड़ गया तब ये पुलिस में जाने की धमकी देने लगी, हल्के से। और ये ककड़ी, इसको ये पता चल गया कि मेरे कंप्यूटर का पासवर्ड संजू आचार खाएगा है, और इसे ये भी पता चल गया कि इस कंप्यूटर में मेरे खिलाफ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। इसने मुझे धमकी दी कि सारी दुनिया के सामने मेरा राज खोल देगी, हल्के से, इसलिए मुझे इसे भी कैद करना पड़ा। थैंक यू वेरी मच मैम। भाई ऐसा है कमलकांता, तुम टेंशन ना लो, तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी के लिए एक बढ़िया वाले डॉक्टर से मैंने बात कर रखी है, वो भी फ्री में। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।